मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है और क्या करती है? बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर यह भी आता है कि मरने के बाद आत्मा घर में 12 दिन तक रहती है और उन 12 दिन तक आत्मा करती क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 1 के आधार पर देना चाहेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ऐसे ही ज्ञान की बात जानने के लिए। गरुड़ पुराण यह कहता है कि कर्मफल का नाश सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं होता है। यदि आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाएगा तो उसका प्रेत शरीर कैसे बनेगा, और शरीर ही नहीं बनेगा तो वह कर्मफल कैसे भोगेगा, और जब कर्मफल ही नहीं भोग पाएगा तो उसको मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा और दुखी होकर इस संसार में भटकता फिरेगा। कहने का मतलब है कि मरने के बाद 12 दिन प्रेत घर में रहता है और उसके बाद उसे एक टेम्परेरी शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर उस शरीर को लेकर वह 13वें दिन यम मार्ग के अंदर चलता है, और यदि उस जीव ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आसानी से यम मार्ग को पार कर सकता है। लेकिन यदि उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो यम मार्ग में उसे बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। पहले दिन जो पिंडदान होता है उससे सिर बनता है, और दूसरे पिंडदान से गर्दन और कंधे, तीसरे पिंडदान से हर्ट बनता है, चौथे पिंडदान से पीठ, पांचवे से नाभि, छठे और सातवें से कटी और गुहा पैदा होते हैं, आठवें से जांघे और नौवे से पैर बनते हैं। इन सब के अलावा 10वें पिंडदान से प्रेत की भूख और प्यास दोनों जाग जाती हैं। उसके बाद प्रेत 11वें और 12 पिंडदान से भोजन करता है और 13वें दिन घर से यमदूतों के साथ चल पड़ता है। यमपुरी को जाने के लिए आत्मा को रास्ते के अंदर आने वाले 16 पुरों को पार करना पड़ता है। इस दौरान यदि वह जीव पापी है तो उसे बहुत अधिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह जीव पापी नहीं है तो उसे यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। यम इन सब के अलावा जब आत्मा यमलोक में पहुंच जाती है तो उसके बाद उसे यह टेम्परेरी शरीर को छोड़ देना होता है, ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है। अंत तक बनने के लिए धन्यवाद मित्र। वीडियो पसंद आया तो अपना राय कमेंट में जरूर देना।